लेकिन कन्नौज में आज अखिलेश यादव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। जी हां, यूपी में गंगा किनारे के अब दो मुकाबलों पर सबकी नजर टिकी रहेगी। एक मुकाबला काशी में होगा तो दूसरा कन्नौज। काशी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज में आज अखिलेश यादव मैदान में उतर आए। उन्होंने उम्मीदवारी का पर्चा भर दिया। अखिलेश का मुकाबला बीजेपी के सुब्रत पाठक से है, जो पिछली बार यहां से डिंपल यादव को हरा चुके हैं। जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं। कोई भी मैदान में उतर आए, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अब उसे चुनाव लड़ने लायक नहीं, उसे भेजना चाहिए पागल खाने में। मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं। अलग अलग सीटों पर उम्मीदवार बदलते रहे अखिलेश यादव ने आखिरकार अपना मन बदला। जनता की आवाज बताकर कन्नौज पहुंच गए। लाव लश्कर के साथ पहुंचे अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से पर्चा दाखिल किया और राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को याद करते हुए जीत का दावा कर दिया। बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का किला कही जाती है। 1998 से 2014 तक यानी 16 साल में 15 साल ये सीट मुलायम परिवार के ही पास रही, लेकिन बीजेपी के सुब्रत पाठक ने 2019 में डिंपल को मात देकर यहाँ 18 साल बाद एक बार फिर कमल खिला दिया और इस बार अखिलेश को ललकार रहे हैं। अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजते, भेजे ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है। जो पहलवान हारने लगता है फिर वो छटपटाता है, वो भागता है, फिर इसी तरह के काम करता है जो तो आप बता रहे हो। अरे भाई, कन्नौज से क्या लेना देना भारत पाकिस्तान का। इस बहस के बीच मुलायम परिवार की बीजेपी नेता अपर्णा यादव क्या कह रही हैं? ये देखना, ये सुनना भी दिलचस्प है। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है और प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मैदान में उतर आए, जो है मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और बनाने जा रही है। कन्नौज का चुनावी इतिहास देखें तो पलड़ा अखिलेश के पक्ष में दिखाई देता है, लेकिन 2019 में बही बदलाव की बयान के बाद अटकलों की दावेदारी जोखिम भरी नजर आती है। आखिरी फैसला अब वोटरों के हाथ में है। देखिए, अखिलेश यादव के नामांकन ने कन्नौज की चुनावी लड़ाई को रोमांचक बना दिया है और जिस तरह अचानक इसका ऐलान हो गया वो भी हैरान करने वाला रहा। हालांकि बात सिर्फ अखिलेश की नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस अमेठी सीट से राहुल गांधी को और रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ा सकती है। सवाल है कि इंडिया गठबंधन के इन सारे बड़े नेताओं को अचानक उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की वजह क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। देखिए, खुद आगे रहकर ये संदेश देने की भी कोशिश है कि दिग्गज अपना गढ़ नहीं छोड़ेंगे और खुद आगे रहकर चुनाव में दो दो हाथ करेंगे। ये रणनीति बताती है कि मजबूत जमीन पर जीत सुनिश्चित करने की तैयारी है। यह संदेश देने की कोशिश भी हो रही है कि कार्यकर्ताओं की पसंद की अनदेखी हरगिज नहीं होगी। इसे चौंकाने वाला दाव भी कहा जा रहा है कि विरोधियों को चुनौती देने की रणनीति के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मतलब ये कि इंडिया अलायंस अपने वोटर्स को बड़ा चुनावी संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।